नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो, यहाँ पर मैंने एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है यंग एंथर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर सेक्शंस हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, और हर एक सेक्शन को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। द आउटर थ्री लेयर्स आर प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड हेल्प्स इन द डिहिसेंस ऑफ एंथर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में तीन आउटर लेयर है जो कि एंथर का डिहिसेंस में हेल्प करते हैं। एंथर को जब मैच्योर हो जाता है तो पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ओके, तो वो कौन सा तीन लेयर है? तो सबसे बाहरी लेयर जो है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, उसके बाद जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं इंडोथीकम। उसके बाद जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। ओके, और उसके बाद एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं टेप्टम, और इन द सेंट्रल वी हैव स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, यही स्पोरोजेनस टिश्यू जो है इसी का सेल जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो बाहरी तीन लेयर है ये क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर्स है। इसके बाद ये जो चौथा लेयर है द फोर्थ लेयर दैट इज कॉल्ड टेपटम, इसके सेल्स का कुछ स्पेशलिटी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट में मैंने लिखा है टेपटम सेल्स हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड दे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। टेपटम लेयर का जो सेल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ओके, और क्या खासियत है कि उनमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो NCERT में ये क्वेश्चन भी है और मेडिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ऐसा है कि टेपटम के सेल्स में ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, मोर देन वन। ओके, तो इसका रीज़न ये है कि टेपटम के जो सेल्स हैं, ये जो टेपटम के सेल्स हैं, इस लेयर के जो सेल्स हैं उसको स्पोरोजेनस सेल्स को या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो द टेपटम सेल्स इज परफॉर्मिंग डुअल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपना सेल्स का भी एक्टिविटीज़ को देखना है, प्लस उसको स्पोरोजेनस टिश्यू को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ओके, उससे भी एक कनेक्शन बनाना है। तो टेपटम के सेल्स जो हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो चौथा सेंट्रल पार्ट है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसमें वो सेल्स पाए जाते हैं जिसके हेल्प से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना है। ओके, नाउ आपको यहाँ पर सेंट्रल में एक कनेक्टिव नाम का टिश्यू पाया जाता है। ओके, इसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। इसी से जो है फिलामेंट अटैच्ड होता है, इसी से फिलामेंट जो है अटैच्ड होता है, जो कि एंथर के टर्मिनल एंड पर अटैच्ड होता है। फिलामेंट के टर्मिनल एंड पे जब एंथर अटैच्ड होता है तो इसी पॉइंट के हेल्प से होता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो टिश्यूज़ हैं, ये दो थीका के बीच में है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ वन थीका एंड दिस इज़ द अनदर थीका। तो ये कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर है? दो थीका के बीच में है। और ये किससे अटैच होता है? फिलामेंट से अटैच होता है। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।